लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
पीस तो बहुत खूबसूरत है। असली हीरा तो वो है जिसने इन अनमोल हीरे जवाहरात का कलेक्शन किया है। लेकिन वो हीरा इस अनमोल म्यूजियम का मालिक विनय कुमार है कहाँ? सूरज चांद सितारों से पूछ लीजिए, वो भी जमीन पे आके यही कहेंगे, जहाँ हीरे वही विनय कुमार। जैसे जिंदगी सांसों के बगैर अधूरी है, वैसे विनय कुमार का जीवन भी हीरो के बगैर अधूरा है, इसीलिए हमने अपना पूरा जीवन हीरो के नाम कर दिया है। I'm Peter John from Star TV. मैं सुरेखा इंडियन एक्सप्रेस से। मैं बी आर शर्मा टाइम्स ऑफ इंडिया से। मैं रणवीर पुष्प दूरदर्शन से आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। गो अहेड, पूछिए। सुना है आपके म्यूजियम में एक ऐसा हीरा है जिस पे सूरज की रोशनी पड़ते ही उसमें से सात रंग निकलते हैं। ये है वो हीरा, इसका ताल्लुक मुगल बादशाहों के जमाने से है। शाहजहां ने मुमताज बेगम को उसके जन्मदिन पर दिया था। वाह क्या बात है। और ये हीरा उस समय भारत में लाया गया जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। What's so special about this diamond? इसका ताल्लुक 17वीं सदी से 17th century. कुछ देर तक ये अमेरिका के म्यूजियम में रहा और अब विनय कुमार के। सर आपकी ये कलेक्शन देखने के बाद तो विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी हीरो की कलेक्शन किसी के पास नहीं होगी। सर आपको ये शौक कब से हुआ? शौक नहीं मिस सुरेखा, सुरेखा पैशन को पैशन, जुनून, और जुनून मुझे बचपन से है। यानी इससे पहले भी आपके परिवार में किसी को ये शौक था? मेरे पिताजी एक पुलिस कमिश्नर थे और चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह एक पुलिस अफसर बनूं, लेकिन मेरी नजरें चोर बदमाशों की बजाय अच्छे अच्छे हीरो को तलाशती रहती और छोटी सी उम्र में ही इतनी पारखी हो गई कि पत्थरों के बीच पड़े हीरो को 100 मीटर दूर से ही पहचान लेती। आपके पिताजी आपको एक पुलिस अफसर बनाना चाहते थे मगर आप एक डायमंड मर्चेंट बन गए, इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? अपने आप से। नौकरी की तलाश में निकला तो सेठ धर्मचंद नाम के एक डायमंड मर्चेंट के यहाँ हीरे तराशने की नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ एक जबरदस्त साजिश हो गई। साजिश? चोरी, जो महज एक दिखावा था। दिखावा? उस जमाने का सबसे बड़ा ज्यूल थीफ सेठ धर्मचंद के साथ मिलकर मुझे ज्यूल थीफ साबित करना चाहता था, लेकिन कामयाब ना हो सका। वो आदमी जिसे एक जमाने में सबसे बड़ा ज्वेल थीफ समझा जाने लगा था आज इस देश का नंबर 1 डायमंड मर्चेंट है। यू आर राइट। बाय द वे मिस्टर विनय कुमार, आपके म्यूजियम में पड़े हुए तमाम हीरे जवाहरात की कीमत क्या होगी? ठीक से कहना तो मुश्किल है, लेकिन अंदाजन 50-60 हजार करोड़ तो होना ही चाहिए। 60 हजार करोड़? आपने अपनी जिंदगी में जो चाहा वो पा लिया, इतना सब हासिल करने के बाद लगता है अब आपकी एम्बिशंस खत्म हो चुकी होंगी? ओह नो, विदाउट एम्बिशन मैन इज डेड। जिंदगी में हमेशा थ्रिल रहना चाहिए, एक्साइटमेंट रहनी चाहिए। मैन शुड ऑलवेज रोमांस विद लाइफ। रोज एक नया सपना देखना और उस सपने को हकीकत में लाने की कोशिश करने का नाम ही जिंदगी है। क्या हम जान सकते हैं आपके भविष्य का वो सपना, वो इच्छा, वो एम्बिशन क्या है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? बस अब मेरी एक ही एम्बिशन है, एक ही सपना है कि मैं इस म्यूजियम में कोहिनूर लाऊं। कोहिनूर? वही कोहिनूर जिसे अंग्रेज इंडिया से ले गए थे, उसे वापस लाकर उसकी एग्जिबिशन करना चाहता हूं और अपने देश निवासियों को दिखाना चाहता हूं कि वो कभी उनका था। दैट्स माय ड्रीम, माय एम्बिशन टू ब्रिंग बैक दी कोहिनूर, द किंग ऑफ डायमंड्स एंड दी डायमंड ऑफ किंग्स टू इंडिया। आप नामुमकिन बात कर रहे हैं मिस्टर विनय कुमार। आज का दौर वो दौर है जिसमें नामुमकिन भी मुमकिन है योर एक्सीलेंसी। मगर कोहिनूर ब्रिटिश ताज की शान है। सारी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला मुल्क कब तक ताज की दुहाई देता रहेगा? लेकिन कोहिनूर वो अनमोल हीरा है जिसे इंग्लैंड किसी कीमत पे नहीं खो सकता है। आज के वक्त में भी नहीं, जब आपके मुल्क को फिर से दुनिया के नक्शे में अंतर्राष्ट्रीय गुडविल बनाने की जरूरत है। चर्चिल ने कहा था कि बरतानवी राज पे सूरज कभी नहीं डूबता, और आज ये बात सच नहीं है, लेकिन ये बात दोबारा सच हो सकती है अगर ब्रिटेन उन तमाम मुल्कों से जिस पर उसने राज किया उतनी ही मोहब्बत करे जितनी कि वो खुद से करता है। अगर आप कोहिनूर को भारत भेज दें तो दोनों मुल्कों की दोस्ती अटूट हो जाएगी, और उसी कोहिनूर को भारत अपने स्नेह, सम्मान और गुडविल के रिबन में बांध कर ब्रिटेन वापस भेज देगा। यू डेफिनेटली हैव अ पॉइंट, लेकिन कुछ नहीं, मैं खुद इंग्लैंड जाकर आपके प्राइम मिनिस्टर, आपकी लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन्स और आपकी जनता सबको कन्विंस करने के लिए तैयार हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मिस्टर विनय कुमार, आप अपनी गवर्नमेंट के थ्रू ऑफिशियली ये प्रपोजल मेरे पास भेजिए, गॉड विलिंग
आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। थैंक यू योर एक्सीलेंस। माय प्लेजर। बात हाई कमिश्नर साहब के पल्ले पड़ गई। हेलो। जितना खूबसूरत आपका म्यूजियम है उतनी खूबसूरत आपकी आवाज भी है। तारीफ के लिए शुक्रिया। एक से एक बेहतरीन और कीमती हीरे हैं आपके पास, लेकिन एक नायाब हीरा ऐसा है जिसे आपने आज तक देखा भी नहीं है। क्या नाम है उस हीरे का? हीरा देखने आएंगे तो नाम भी जान जाएंगे। उस अनमोल हीरे को देखने के लिए हमें कहां पहुंचना होगा? ससून विला। अपनी ही तस्वीर देखकर हैरान हो रहे हैं आप? अपनी तस्वीर देखकर तो हैरान हूं ही, लेकिन जिसे मैं जानता तक नहीं। हम अरावली की राजकुमारी विशाखा हैं। बैठिए। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, लेकिन हम तो वो नायाब हीरा देखने आए हैं जिसके लिए आपने हमें यहां बुलाया है। हमें देखने के बाद भी पत्थरों को देखने की तमन्ना है? वैसे इस सुरमई उजाले और चंपई अंधेरे में आप खुद ही एक हीरा ही लग रही हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया। इन आंखों को चूम लेने का दिल करता है जिन्होंने हमें इतनी इज्जत बख्शी। जरा दूर ही रहिए, हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। इसी दूरी को खत्म करने के लिए तो हमने आपको आज यहां बुलाया है। हमने ये फैसला किया है कि जो भी इंसान कोहिनूर को इंडिया लेकर आएगा उसे हम अपना जीवन साथी बनाएंगे, और आपके इसी फैसले ने आज हमको अपना दिल आपको देने के लिए मजबूर कर दिया है। विशाखा देवी, हमारे दिल पर बहुत सी हसीनाओं की नजरें रही, फिर भी हमने आज तक अपने दिल को संभाल कर रखा है। अगर हम अपना दिल आपको दे दें तो ऐसा ना हो कि कहीं हसीनाओं के बीच वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। दिल के बदले इस वक्त हमारी ओर से ये फूल कबूल कीजिए। इनसे सच्चा साथी आपको जिंदगी भर नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस रंग में ये खिलते हैं उसी में मुरझा भी जाते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट। गुड इवनिंग प्रिंस। विनय कुमार पर मैं अपना जाल फेंक चुकी हूं। वो कितना ही चालाक और होशियार क्यों ना हो, उसे ये शक हो ही नहीं सकता कि मैं अरावली की राजकुमारी विशाखा नहीं बल्कि शीतल हूं। वो शीतल जो प्रिंस के लिए काम करती है। जिस तरह इस बाज की नजर नकली हीरों को छोड़कर असली हीरे पर टिक जाती है, उसी तरह तुम्हारी नजर भी विनय कुमार पर टिकी रहनी चाहिए, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, विनय कुमार को बर्बाद करना। उसी की वजह से मुझे बरसों सजा हुई, और जेल में मैं सुबह शाम रात दिन यही कसम खाता रहा कि अगर जिंदगी ने मेरा साथ दिया तो मैं विनय कुमार को बर्बाद करके रहूंगा। आज 27 साल बाद मुझे मौका मिला है, जब उसने ऐलान किया कि लंदन से वो कोहिनूर हीरा मंगवा के अपने म्यूजियम में एग्जिबिट करेगा। वो हीरा मैं उड़ाऊंगा और लोगों को साबित कर दूंगा कि मैं नहीं बल्कि विनय कुमार ही पहले भी था और अब भी है। मुझ पर लोगों को शक नहीं होगा, क्योंकि 27 साल में लोग भूल गए कि मैं भी कभी एक ज्वेल थीफ था, और आज तो न जाने कितने ज्वेल थीफ पैदा हो गए होंगे। और तेज, और तेज चलो। चलो।
अगर तुमने मुझे यहां से फरार नहीं होने दिया तो मैं इस रेस्टोरेंट को उड़ा दूंगा। मैं तो मरूंगा ही, लेकिन तुम में से कोई नहीं बचेगा। चल! चलो पीछे हट जाओ, चलो जी में बैठ जाओ। ए, इधर आ, इधर आ, चल, इधर आओ, चल, इधर आओ, मूव। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, पागल हो गया क्या? पुलिस कमिश्नर सूर्यदेव सिंह वो आग है जो इस देश के हर ज्यूल थीव को जलाकर भस्म कर देगा, ताकि लोग हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएं कि ज्यूल थीव का मतलब क्या होता है। कमाल हो गया, सारे जवाहरात साफ। ये क्या मजाक है, तुम लोग क्या रहते, ये हो कैसे सकता है? तुम लोग इधर क्या कर रहे थे बैठे बैठे? चुप रहो सब लोग, बंद करो बकवास। शीतल कहाँ है? आपने ना तो उसे काम के लिए भेजा था प्रिंस। हाँ यस ऑफ कोर्स, शीतल को तो मैंने समझा। ऐसी मजाक है, ज्वेल थीफ के घर ज्वेल थीफ, ये कौन हो सकता है? कंट्री में डेमोक्रेसी है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं कि जिसे चाहा उसे अंदर बंद कर दिया। यह कोई शरीफ आदमी के साथ पेश आने का तरीका नहीं। मैं तुम पर केस करूंगा। मेरा नाम जॉनी है, जॉनी जॉनी। चुप, बकवास बंद कर। जॉनी, जॉनी, जॉनी नाम अच्छा है। क्यों चेहरा अच्छा नहीं है?
चेहरे से तो बदमाशी लगते हो। कमाल है, आज की दुनिया में एक भाई अपने भाई को नहीं पहचानता, लेकिन एक चोर दूसरे चोर को जरूर पहचान लेता है। राइट मिस्टर जुकासो? जुकासो, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? सुबह जब अखबार पढ़ता हूँ तो क्रिमिनल्स के फोटो को कुछ ज्यादा ही गौर से देखता हूँ। जॉनी नाम का ये बंदा भी तुम्हारे बिरादरी का है। ओ, तो हम दोनों का पेशा एक ही है? पेशा एक ही है, मगर फर्क सिर्फ इतना है। क्या? तो माल के साथ पकड़े गए, मगर ये जॉनी कभी माल के साथ नहीं पकड़ा जाता। इस बार भी पुलिस को ऐसा चकमा दिया कि मैं यहां और हीरे कहीं और। तुम हीरो की चोरी करके आए हो? बात राज की है, लेकिन मैं अपने बिरादरी वालों से कुछ छुपाता नहीं हूं। प्रिंस अर्जुन का नाम सुना है? अरे उसका नाम कौन नहीं जानता, 27 साल पहले उस ज्वेल थीप ने तो हंगामा मचा दिया था। उसी के यहां हाथ साफ करके आए। ओ, आदमी काम के लगते हो। यहां कब तक रहने का इरादा है? कल सुबह तक ये लोग मुझे छोड़ देंगे, मैं अपने हीरे लेकर कहीं नया काम तलाशूंगा। कोहिनूर इंडिया आ रहा है, सुना है? सुना है? उंगलियां तरस रही उसे छूने के लिए। जैसी तुम्हारी उंगलियां कोहिनूर तक पहुंच जाए, किसी भी पब्लिक फोन से 420-420 डायल करना। कोहिनूर की जो भी कीमत होगी तुम तक पहुंचा दी जाएगी। फोन तो कर लूंगा, लेकिन तुम यहां से कब निकलने वाले हो? इस धरती की कोख से कोई लोहा पैदा नहीं हुआ जो जुकासो को जकड़ सके। जल्दी पुलिस स्टेशन के बाहर मिलते हैं। ओके मिस्टर 420। दो बार। आओ जॉनी आओ। आने में काफी देर कर दी, खैर पुलिस वालों को चकमा देने के लिए बधाई। जिस सफाई से तुमने प्रिंस अर्जुन की चोरी की है, उसे तुमने ये साबित कर दिया है कि तुमसे बड़ा हीरो का चोर कोई नहीं है। और जिस सफाई से आपने मुझे बचाया, उसे साबित होता है कि आप मेरे कितने बड़े मददगार। थैंक यू। अगर हीरो के साथ पकड़ा गया होता तो सूर्यदेव सिंह मेरी हड्डी पसली कर देता, यही पूछता रहता कि मेरा नाम क्या है, मैं किसके लिए काम करता हूं। अपने आदमियों को बचाना यह हमारा पहला फर्ज है, पर यह मत भूलो इस काम में हम तुम्हारे बराबर के हकदार हैं। जॉनी, ये तुम्हारे हीरे। जॉनी, ये किसके लिए? ये उस हीरे के लिए जिसका नाम लेते ही दिल में संगीत जाग उठता है। Yeah!
आप इस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, आपके होते हुए क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, लेकिन कोहिनूर हिंदुस्तान में नहीं आ सकता। मैं हर तरह से आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन चीफ मिनिस्टर की भी कुछ मजबूरियां होती हैं, और आपने ये कोहिनूर इंग्लैंड से हिंदुस्तान लाने की बात मुझे बोलकर अपने लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर लिया है। But I'm sorry, शायद आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। But why? 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 इसलिए कि मैंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर साहब से बात की है, ये तैयार है कि कोहिनूर 4 हफ्तों के लिए हिंदुस्तान लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए इन्हें बहुत बड़ी गारंटी चाहिए। What guarantee? वैसे तो कोहिनूर का कोई कीमत नहीं, लेकिन अगर 50,000 करोड़ रुपीज का गारंटी दिया जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कोहिनूर को इंडिया भेज दे सकता है। अब आप खुद ही बताइए कि इतनी बड़ी गारंटी कहां से दी जा सकती है। मैंने कोशिश की थी ये बात गवर्नमेंट लेवल पर हो जाए, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बिल्कुल इनकार कर दिया है। आप परेशान मत होइए, गारंटी का इंतजाम हो जाएगा। मगर कैसे? मेरे म्यूजियम में जो डायमंड्स हैं उनकी कीमत ब्रिटिश सरकार की डिमांड से कुछ ज्यादा ही है। इज दैट ऑलराइट मिस्टर हाई कमिश्नर? यस, ओके। आई अप्रिशिएट योर पेट्रियोटिक फीलिंग्स मिस्टर विनय कुमार, कि आप अपने देशवासियों के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार फिर से आप सोच लीजिए। सोच लिया, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि कोहिनूर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लें। दैट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोहिनूर की सिक्योरिटी के लिए मैं अपने पुलिस कमिश्नर सूर्यदेव सिंह को अपॉइंट करूंगा। डोंट वरी मिस्टर विनय कुमार, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आओ सूर्या, आओ। अरे भाई, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये है हमारे पुलिस कमिश्नर सूर्यदेव सिंह जी, ही इज मिस्टर विनय कुमार। इन्हें कौन नहीं जानता, अक्सर इनकी बहादुरी के चर्चे अखबारों में पढ़ने और टीवी पर देखने को आते हैं। आप भी कम नहीं है विनय कुमार साहब, बेशकीमती हीरों का जब भी जिक्र होता है तो आपका नाम सबसे पहले आता है। और अब कोहिनूर हिंदुस्तान लाकर आपने अपना नाम महाराजा रंजीत सिंह और शाहजहां जैसी हस्तियों में शामिल कर लिया है। बस मैं तो अपने देशवासियों का एक सपना पूरा करना चाहता हूँ, और उसके लिए अपना मान सम्मान जीवन भर की कमाई दांव पर लगा दिए। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि देश के गौरव के लिए हमारे सूर्यदेव अपनी जान भी दांव पर लगा सकते हैं। ट्रस्ट मी सर, आई वॉन्ट लेट सी डाउन। आप जैसे जांबाज अफसर से यही उम्मीद थी। सूर्यदेव, इतनी रात गए तुम? मजबूरी है मेरी, आपसे मिलने आने के लिए मुझे लोगों से छुप कर रहना पड़ता है। सूर्यदेव, तकदीर का ये अजीब मजाक है कि सूरज को मुझसे मिलने के लिए अंधेरे का सहारा चाहिए। सुंदर घर है तुम्हारा। ये तो तुम्हारे कदमों की इनायत है, जिनके पड़ते इस घर की हर चीज खूबसूरत लगने लगी है, वरना इस दिल की तरह ये घर भी सुना सुना था। तुम तो कहते थे तुम्हारे दिल में मैं रहती हूँ, फिर ये सुनापन कैसा? दोबारा ऐसी बात मत करना जॉनी। नहीं करूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? झील सी आंखों की गहराइयों में डूब जाने दो, इन सुर्ख गालों, इन गुलाब की पंखड़ियों को चूम लेने दो। मुझे शर्म आ रही है जानी। मेरे दिल में रहती हो और मुझी से शर्माती हो। प्लीज जानी। तुम्हारी इन आंखों की शर्म ने ही तो दीवाना बना रखा है मुझे। मेरे घर में पहली बार कदम रखने की खुशी मिली, शगुन के तौर पर ये तोहफा। सर, टीवी आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, भेजो। अच्छा सर। यस। ओह, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। माय सेल्फ त्रिकाल तिवारी,
टीटी उर्फ टी। माई सेल्फ विकाल वासवानी, वीवी उर्फ वी, टी वी टी वी। सर, हम आपसे टीवी के करोड़ों ऑडियंस के लिए चंद सवाल करना चाहते हैं। हाँ कीजिए। ओह थैंक यू, एक्सक्यूज मी। हर हिंदुस्तानी जानने के लिए बेताब है कि कोहिनूर इंडिया आ रहा है या नहीं। यस, कोहिनूर हिंदुस्तान आ रहा है और मेरे लिए ये बहुत फखर की बात है कि मेरे राज्यकाल में ही आ रहा है। लेकिन रिलायबल सूत्रों के अनुसार कोहिनूर के इंडिया आने में लास्ट मिनट में कुछ अड़चने आई हैं। ब्रिटिश सरकार को कोहिनूर की सिक्योरिटी के लिए 50,000 करोड़ रुपयों की जमानत चाहिए थी, जिसके लिए हमारे मिस्टर विनय कुमार ने अपने म्यूजियम के तमाम बेशकीमती हीरे और जवाहरात को गिरवी रख दिया है। दैट इज वेरी पेट्रियोटिक ऑफ हिम, इज़न्ट इट? यू मीन टू से कोहिनूर इज रियली कमिंग टू इंडिया? वाओ वाओ। मुख्यमंत्री जी, आप कोहिनूर की सिक्योरिटी का प्लान बताएंगे? व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन, इट मस्ट बी अ स्टेट सीक्रेट, है ना मुख्यमंत्री जी? ऑफ कोर्स इट इज अ स्टेट सीक्रेट, और इसके बारे में सिर्फ पुलिस कमिश्नर सूर्यदेव ही जानते हैं। ये रही सिक्योरिटी प्लान की कॉपी आपके लिए। इस कॉपी में क्या है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, आइए। ये सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है, यहाँ का गार्ड हर 15 मिनट के बाद बदल दिया जाएगा। इसकी पूरी डिटेल इसमें है, इसे अपने पास रखिए। एक वीडियो कैमरा लगातार कोहिनूर पर नजर रखेगा, उसके अंदर जो कुछ भी दिखाई देगा वो इन मॉनिटर्स पर आ जाएगा। चलिए आगे। ये म्यूजियम का मेन गेट, जिसे शाम 6 बजे मैं खुद बंद किया करूंगा। मिस्टर विनय कुमार, कोहिनूर हीरा यहां रखा जाएगा और इन 4 पोल्स के बीच में इनविजिबल लेजर बीम होंगी, जो सिर्फ इंफ्रारेड लाइट्स के साथ ही देखी जा सकती है। लेजर बीम ऑन, इंफ्रारेड ऑन। इन बीम्स को क्रॉस करना अपनी मौत को दावत देना है। अगर कोई दर्शक गलती से इन इनविजिबल लेजर बीम्स की तरफ बढ़ गया तो शाम को नुमाइश का टाइम खत्म होने के बाद ही लेजर्स को ऑन किया जाएगा। आई सी, पुट इंफ्रारेड ऑफ, लेजर बीम ऑफ। अगर लेजर बीम ने काम नहीं किया और कोई चोर हीरे तक पहुंच गया तो जैसे ही वो चोर इस डोम को उठाएगा ये हीरा इसके अंदर लॉक हो जाएगा। है? जी हाँ, ट्राई कीजिए। सर्टेनली। Fantastic! आपके बारे में जैसा सोचा था वैसे ही आपको पाया। I'm very happy with the security arrangements. आपने इतना जबरदस्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया है कि कोई चोर तो क्या, ब्रिटिश सरकार खुद भी यहाँ आकर कोहिनूर को वापस नहीं ले जा सकेगी। थैंक यू।
खुशकिस्मत है ये आईना जिसमें आप अपना चेहरा देख रहे हैं। काश ये खुशनसीबी हमारी आंखों को नसीब हो जाती। आप यहां मेरी गाड़ी से मेरे बिस्तर तक। हमें लगा कि आपकी गाड़ी से आपके बिस्तर तक और आपके बिस्तर से आपके दिल तक पहुंचने का यही एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट तो ठीक है, लेकिन आपको इतनी रात गए किसी ने मेरे बेडरूम में देख लिया तो हम दोनों की इज्जत का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फिर आप सपनों में क्यों नहीं आते? हमारी आंखें आपके ख्वाबों को छूने के लिए तरसती रहती हैं, और आप हैं कि पलकों तक आकर ही लौट जाते हैं। मगर इस वक्त आप लौट जाइए, कोई देख लेगा तो यही कहेंगे कि चांद के घर में रात की रानी आई है। और अगर मैं कहूं कि मुझे इस रात की रानी का राजा बनने का शौक नहीं है तो? हाँ, शराब चौकियों में घोला जाए फूलों का शबाब, और उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा वो नशा जो तैयार वो प्यार है। ये प्यार नहीं, नींद का खुमार है। आपकी आंखों में नींद है, नींद है, नींद। अब सो जाइए, सो जाइए। बाय। हेलो बॉस, कोहिनूर की सिक्योरिटी प्लान की फोटो उतारने के लिए जैसा कैमरा आपने शीतल को दिया था वैसा एक दूसरा कैमरा मैंने उसके पास देखा है। बॉस वो जरूर किसी और के साथ मिलकर कोहिनूर चुराने की साजिश कर रही है। बॉस वो हमारी गैंग में रहने के काबिल नहीं है। सिक्योरिटी प्लान मिलते ही आप उसका चैप्टर क्लोज कर दीजिए बॉस। ये लीजिए प्रिंस, कोहिनूर की सिक्योरिटी का प्लान। वेल डन शीतल, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। कोहिनूर हिंदुस्तान में आने से पहले सिक्योरिटी प्लान हमारे हाथों में आ गया। सॉरी शीतल। थैंक यू योगी, तुम्हारी इंफॉर्मेशन करेक्ट थी। ये लड़की हमें डबल क्रॉस कर रही थी। अब जुकासो जल्दी जेल से भागने वाला है, उससे मेरी मीटिंग जल्दी करवा दो। जुकासो का राइट हैंड बब्बू मेरा खास दोस्त है, मीटिंग जल्द से जल्द अरेंज हो जाएगी बॉस। गुड। मिलॉर्ड, जुकासो एक इंटरनेशनली वांटेड चोर है जिसके खिलाफ थाईलैंड से लेकर मेक्सिको तक 34 मुल्कों में केस दर्ज हैं। लेकिन ये अपनी बेशुमार दौलत और शातिराना दिमाग के जोर से बार बार फरार हो जाता है। योनर, जुकासो के खिलाफ फुल प्रूफ केस बनाने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जुकासो को 30 दिन और पुलिस कस्टडी में रिमांड पर रखने की इजाजत दी जाए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर जुकासो चौस्टालिका के पासपोर्ट होल्डर हैं। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन्स हो गई है। हिरासत में इनकी तबीयत और खराब हो गई क्योंकि इन्हें पानी ढंग का नहीं मिलता। इसलिए मेरी आपसे यह दरख्वास्त है कि मिस्टर जुकासो को भारतीय पुलिस द्वारा चौस्टालिकन पुलिस को हैंडओवर करने के आदेश जारी किए जाएं। योर ऑनर, जिस तरह गिरगिट रंग बदलता है ठीक उसी तरह जुकासो अपने रूप बदलता है। अगर इसे जॉस्टालिका पुलिस को हैंडओवर किया गया
तो वहां के लीनियंट कानून का फायदा उठाकर ये डेफिनेटली फरार हो जाएगा और फेस बदलकर आजाद घूमेगा। योर ऑनर, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जुकासो को भारतीय पुलिस कस्टडी में तब तक रखा जाए जब तक ये अपने तमाम गुनाह कबूल न कर ले। यह अदालत प्रोसिक्यूशन की फर्दर रिमांड की दरख्वास्त को मंजूर करती है। थैंक यू योर ऑनर। और मुलजिम जुकासो को और 30 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म देती है। भारतीय पुलिस के लिए आदेश है कि वो मुलजिम को मिनरल वाटर सप्लाई करें और इनके पेट की नाजुक हालत को मद्देनजर रखते हुए मेडिकल अटेंशन के अलावा कोई और भी सुविधा इन्हें चाहिए हो तो वो फौरन मुहैया करें। इंस्पेक्टर, मिस्टर जुकासो बाथरूम जाना चाहते हैं। नो, सिर्फ 2 मिनट की तो बात है, आइए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा योर एक्सीलेंसी। मैंने आज तक अपने हर ख्वाब को हकीकत में बदला है और ये मेरी जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब है। आई कैन अप्रिशिएट योर सेंटिमेंट्स मिस्टर विनय कुमार, लेकिन फेमस ज्वेल थीव जुकासो के फरार होने से कोहिनूर की सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो गया है। कैसा खतरा? कैसी बात कर रहे हैं आप? हिंदुस्तानियों का ही कोहिनूर हिंदुस्तानियों को दिखाने के लिए ये 50,000 करोड़ की जमानत देने के लिए तैयार है। एग्जैक्टली। फिर भी आप परेशान हैं। काम डाउन मिस्टर सूर्यदेव। देखो, अब ये अचानक हमारे सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, इसे हमें किसी तरीके से भी हल करना होगा। कोहिनूर अनमोल है कमिश्नर, 50,000 करोड़ उसकी नजर उतारने के लिए भी कम आए। कोहिनूर की नजर उतारना चाहते हैं आप? कोहिनूर आप लोगों तक कैसे पहुंचा ये आप अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, कोहिनूर हमारा है, हम हिंदुस्तानियों का है, उसे देखने का हमारा पूरा हक है। We don't deny that, but you also cannot deny कि जुकासो का escape के बाद कोहिनूर को खतरा है। जुकासो 34 मुल्कों में wanted है, including your Great Britain। जुकासो के फरार होने से अगर हिंदुस्तान में कोहिनूर को खतरा है, तो इंग्लैंड में भी उतना ही खतरा। ये मत भूलिए कि इन 34 मुल्कों में जुकासो को गिरफ्तार करने वाला सिर्फ सूर्यदेव सिंह है। अगर कोहिनूर सूर्यदेव सिंह की निगरानी में महफूज नहीं, तो कहीं भी महफूज नहीं। अब भी आपने कोहिनूर हिंदुस्तान नहीं भेजा, तो ये सिर्फ विनय कुमार जी की इंसल्ट नहीं, बल्कि 90 करोड़ हिंदुस्तानियों की इंसल्ट है। ओहो, कमिश्नर साहब, आप इत्मीनान रखिए, परेशान मत हो भाई। कोहिनूर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है, आफ्टर ऑल वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल। अपने जमाने के मशहूर ज्वेल थीफ प्रिंस अर्जुन को हमारा सलाम। इंटरनेशनली रेनाउंड ज्वेल थीफ जुकासो को हमारा भी सलाम। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसे हस्ती ने हमें याद किया। आप तो हमारे बिरादरी के भीष्म पितामह हैं। थैंक यू जुकासो, थैंक यू। कहिए जुकासो, आपकी क्या खिदमत कर सकता है? देखो जुकासो, हमारे पास कोहिनूर चुराने की एक फूल प्रूफ स्कीम है, लेकिन बदकिस्मत से मैं अब जवान नहीं रहा और इस काम के लिए एक तुम जैसे जवान आदमी की जरूरत है।
अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार हूं। आपकी स्कीम और मेरी मेहनत, जो कमाई होगी 50-50। 50-50? जी। जुकासो हम बेचना नहीं चाहते कोहिनूर, हम उसे अपने पास रखना चाहते हैं ताकि हमारा नाम शाहजहां, महाराजा रणजीत सिंह और क्वीन विक्टोरिया के साथ लिखा जाए। ओह, अगर ये बात है तो मैं आपको कोहिनूर चुरा कर देता हूँ, आप मुझे उसकी कीमत दे दीजिए। ठीक है, फेयर एनफ। तुम्हें कितना चाहिए? 1 करोड़? 2? 5? 10 करोड़? तुम हंस रहे हो, तुम्हें इतना बड़ा ऑफर दे रहा हूं। करोड़ 10 करोड़ आपके जमाने में बहुत बड़ी रकम होगी, लेकिन आज के जमाने में वो चिल्लर है, चिल्लर। आप कोहिनूर खरीदना चाहते हैं या मूंगफली? Shut up you bloody fool! तुम्हें बात करने तक की तमीज नहीं। गुस्सा मत होइए सर, हकीकत का सामना करिए। Enough! I don't want to deal with your talk. लेकिन इसमें नुकसान आप ही का है। नुकसान किसका होगा वो देखा जाएगा बाद में। हमारे पास जो स्कीम है उसके बिना कोई भी कोहिनूर चुरा नहीं सकता। चलो। आपने हमारा दिल जीत लिया। अगर आज ब्रिटिश हाई कमिश्नर के सामने आपने इतनी जबरदस्त बहस ना की होती तो हमारी जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही बन के रह जाता। विनय कुमार जी, जिंदगी ने बेशक मुझे पत्थर बना दिया है, लेकिन इस पत्थर में अभी भी दिल धड़कता है। शायद इसीलिए मुझे आपके ख्वाब से मोहब्बत हो गई है और आपका ख्वाब मुझे अपना लगने लगा है। ये कहकर तुमने मुझे खरीद लिया है। आज से मैं तुम्हें टफी क्या क्या बुलाऊंगा? टफ, वेरी टफ। थैंक यू सर। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की क्या हैसियत जो हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी को खरीद सके? हैसियत दौलत से नहीं, हिम्मत से नापी जाती है। हिंदुस्तान का सबसे दौलतमंद आदमी मैं नहीं, टफी है। मेरी दौलत, मेरी हिम्मत, सच पूछिए विनय कुमार साहब, मेरी ईमानदारी है। और आज वो ईमानदारी मुझे इस बात पर मजबूर कर रही है कि वो राज जो बरसों से मेरे सीने में दफन था आज आप पर फाश कर दूं। क्या है वो राज? इस राज को मैंने आज तक राज शायद इसलिए बनाए रखा कि इसका मेरे फर्ज की अदायगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन ये राज मेरी आत्मा पर एक बोझ है। आज आपसे मिलने के बाद, आपकी वतन परस्ती को देखते हुए, हिंदुस्तान के स्वाभिमान कोहिनूर हीरे को हिंदुस्तान लाने के ख्वाब को देखते हुए, मेरा जी चाहा कि मैं अपने मन के इस बोझ को उतार कर फेंक दूं। आखिर क्या है वो राज? आज से 27 साल पहले एक ज्वेल थीफ स्कैंडल हुआ था। ऑफ कोर्स मैं उसमें इन्वॉल्व था। सारी दुनिया आपको ज्वेल थीफ समझती रही जबकि ज्वेल थीफ कोई और था। करेक्ट मिस्टर विनय, मैं उस ज्वेल थीफ का बदनसीब बेटा हूं। हैं? जब डैडी गिरफ्तार हुए तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी गिरफ्तारी की जिम्मेदार आप और आपके पुलिस ऑफिसर पिताजी हैं। तो मेरे मन में बदले की भावना जाग उठी और मैंने पुलिस ऑफिसर बनने की ठान ली ताकि आपसे अपने पिताजी की बदनामी का बदला ले सकूं। पुलिस का चीफ बनने के बाद आपके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए जब मैंने फाइलों की छानबीन की तब पता चला कि ज्वेल थीफ आप नहीं बल्कि मेरे अपने डैडी खुद हैं। मिस्टर विनय कुमार, मेरे बारे में जानने के बाद कि मैं कौन हूं, किसका बेटा हूं, यकीनन आपके दिल में मेरे लिए शक और शुबहात पैदा हो गए होंगे। इसलिए कोहिनूर की हिफाजत के लिए मेरी जगह किसी दूसरे ऑफिसर को अपॉइंट करवाना चाहे तो मुझे एतराज नहीं होगा।
कहावत है कि खून कभी अपना रंग नहीं बदलता, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद आज ये बात गलत लग रही है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन कोहिनूर की सिक्योरिटी के इंचार्ज तुम ही रहोगे। चीयर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन हमारे लिए एक बहुत ही अहम दिन है। यह तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में सुनहरी लफ्ज में लिखी जाएगी, और इसका सारा श्रेय, यानी कि सारा क्रेडिट जाता है हमारे मिस्टर विनय कुमार जी को, जिन्होंने इस नायाब हीरे को इंग्लैंड से हिंदुस्तान लाकर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। गिव हिम अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग हैंड प्लीज। और मुझे यह कहते हुए बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे मुल्क के सबसे होनहार पुलिस कमिश्नर सूर्यदेव सिंह जी इस नायाब हीरे की सिक्योरिटी के इंचार्ज बनाए गए हैं। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट अस सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ कोहिनूर। कहता है दीवाना, बात मतलब की कहता है दीवाना। आज का दिन है कितना सुहाना, झूमे नाचे गाए जमाना, मस्ती में ओ यारों को नहीं जाना। ओ बात मतलब की कहता है दीवाना, बात मतलब की कहता है। कहता है दीवाना, वो बात मतलब की कहता है। मतलब बात मतलब की कहता है दीवाना, बात
मतलब की कहता है दीवाना। सरदार जी आप कहां जा रहे हैं? अबे ओ अकल के अंधे, दिखाई नहीं देता ये हमारे बॉस जुकासो है। सर इसमें इसका कोई कसूर नहीं, आपका गेटअप इतना शानदार है कि मेजे में भी किसी ने नहीं पहचाना। वो तो ठीक है बब्बू, लेकिन सारी मेहनत पानी में गई। क्यों बॉस, क्या कोहिनूर चुराने का कोई रास्ता नहीं मिला? रास्ता तो मिल गया, लेकिन उसको पार करने के लिए 17 मिनट चाहिए और कंट्रोल रूम का गार्ड हर 15 मिनट में चेंज हो जाता है। अब क्या होगा बॉस? उस बुड्ढे के पास जरूर कोई जबरदस्त प्लान होगा, इसलिए तो उसने मुझे चैलेंज किया कि मेरी स्कीम के बगैर आप कोहिनूर नहीं चुरा सकते। सर जुकासो ऑन द लाइन। जुकासो। हेलो जुकासो। प्रिंस, मैं आपके साथ डील करने के लिए तैयार हूं। अब तुम्हारी अकल में बात आई है ना? यू आर टू लेट एंड यू आर ए फूल। मैं तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं कर सकता। हेलो साला बुड्ढा, भाव खाता है? हेलो, दिस इज द फेमस इंडियन ज्वेल थीव जॉनी। मैं जुकासो से बात करना चाहता हूँ। सर आपके लिए एक बहुत ही अर्जेंट फोन है, कोई जॉनी नाम का ज्वेल थीफ आपसे मिलना चाहता है। ओह जॉनी, इसके पास जरूर कोई स्कीम होगी, उसे अपने खुफिया रास्ते से मेरे पास ले आओ। ऑलराइट सर। सुनो जॉनी, कल ठीक 12 बजे, हाँ हाँ कल ठीक 12 बजे इंटरनेशनल बार में, कोड वर्ड है 1 और 11। ओके, हम आपके हैं कॉल जॉनी। Hi. Welcome to Operation K. Thank you. Nice to see you. Looking wonderful. Thank you very much. एक और एक 11। अभी बजे हैं 12। हम आपके हैं कौन? The Great Jewel Thief. देखो जॉनी, नीचे जो मुच्छड़ लंबू तुमने रखा है हमारा पीछा करने के लिए, हमने उसकी कार की हवा निकाल दी है, इसलिए ज्यादा शांतपति करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी कोई चीज में काला होता है सबसे पहले हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमारी पैंट काली, कोट काला, शर्ट काली, टॉप काला, स्कार्फ काला, हम काले और हमारा बॉस भी काला। आओ जॉनी, आओ आओ आओ, पट्टी खोलो। जुकासो, जब आपने लॉकअप में 420-420 नंबर दिया था तो आपने ये नहीं बताया था कि आपसे मुलाकात इतनी चक्करदार होगी। चोरों की दुनिया में चक्कर ही चक्कर, बाजी को जीते जो वही सिकंदर। मकसद मुलाकात का था, सो हो गई। नाक ऐसे पकड़ो या ऐसे, आएगी हाथ में नाक ही ना। बोलो कैसे आना हुआ? आपने कहा था जब ये उंगलियां कोहिनूर तक पहुंच जाए तो आपको याद करना। हाँ कहा तो था, लेकिन उंगलियां तो यहां है और कोहिनूर है विनय कुमार के म्यूजियम में, और वो भी सूर्यदेव सिंह की हिफाजत में, और सूर्यदेव सिंह की हिफाजत भी कैसी, बिल्कुल टाइट साली। वहां की सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ने के लिए 17 मिनट चाहिए और वहां का गार्ड हर 15 मिनट के बाद बदल जाता है। कमाल है सूर्यदेव सिंह का, लगता है उसके अंदर भी किसी ज्वेल थीफ का खून है। ये 17 मिनट का काम अगर मैं 14 मिनट में कर दिखाऊं तो? ये तुम क्या कह रहे हो? You know the obstacles? Video cameras, laser beams, counterbalancing of the glass dome, application of pressure equivalent to 1400 carat while replacing the Kohinoor. Right? वाकई तुम अपना काम जानते हो, लेकिन तुम म्यूजियम में पहुंचोगे कैसे? Jukaso, that is my trade secret. वो मेरा काम। मतलब तैयारी पूरी है? अगर पूरी नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं आता, मगर अच्छा आओ आओ या आओ जॉनी आओ। अब मुझे कोहिनूर की कीमत बताओ। जुकासो, तुम भी हीरो के चोर, हम भी हीरो के चोर, दोनों को एक बात तो मान लेनी चाहिए कि हर हीरे की कीमत है, मगर कोहिनूर एक ऐसा हीरा है जिसकी कोई कीमत नहीं। इट्स अनमोल, हिस्ट्री है हिस्ट्री। ए
ये अनमोल हिस्ट्री छोड़ दे, कीमत बता कीमत। दिल तो करता है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक चादर फैला दूं नोट समेटने के लिए। वाह, पश्चिम में मिलियन, पूरब में करोड़, दोनों को मिला दो 1 मिलियन करोड़। क्या हुआ जुकासो? 1 मिलियन करोड़? 10 लाख करोड़? ऑफकोर्स। अरे ब्रिटिश सरकार ने भी जब इसकी गारंटी ली थी तो 50,000 करोड़ की थी। ऑफर ओपन है, काउंटर ऑफर दो जुकासो। देखो, ब्रिटिश सरकार ने जो गारंटी ली थी ना उससे 10,000 ज्यादा दे देते हैं। नो वे, नो वे। 40,000 मोर। पहले लाखों का जमाना था, अब करोड़ का जमाना है, दोनों को मिला दो 1 लाख करोड़। ओके ओके, इट्स अ डील। गुड गुड। और कितनी देर बैठने का इरादा है? आधी रात गुजर चुकी है, तुम्हें नींद नहीं आ रही? पहले तुमने, अब इस कमबख्त कोहिनूर ने मेरी रातों की नींदे हराम कर दी है। जानी, सूर्य नमस्कार करने का इरादा है क्या? सूरज की रोशनी के साथ जाम टकराने का इरादा है। ये ग्लास इतनी जल्दी खाली क्यों हो जाता है? वेरा, ए वेरा। सारे वेटर सोने चले गए, अब हम भी चलते हैं। नहीं जान, एक ड्रिंक प्लीज। ओके प्लीज। लव यू, आई लव यू माय गुलगुला, माय गुलगुला, माय गुलगुला। एक पटियाला प्लीज। फा पटियाला, यू गो टू पटियाला। शाबाश बड़ो। We'll be right back.
जानी अन्ना दो गुलगुला देना मलाई वाला। अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को सही सलामत वापस चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो, समझे? तुम दोनों जा सकते हो। ओके बॉस। तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहां किस लिए बुलाया? कुछ कुछ समझ रहा हूं। आपने मेरे गर्लफ्रेंड को किडनैप किया इसलिए मैं यहां आया हूं। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी लड़की सही सलामत रहे तो बैठ जाओ, मुझे तुमसे खास काम है। बैठो। अपने जमाने के नंबर वन ज्वेल थीफ की मैं क्या सेवा कर सकता हूं? तो तुमने मुझे पहचान लिया? जी हाँ, अपने धंधे में जो भी लोग हैं वो सभी जानते हैं कि आप हाल ही में बाहर आए हैं और कुछ नया धमाका मचाने वाले हैं। करेक्ट अगेन, नया धमाका जरूर शुरू करने वाला हूं, इसलिए आज के नंबर वन ज्वेल थीफ को यानी तुमको यहां आने पर मजबूर किया। सिगरेट? ये अपना टाइटल आप मुझे क्यों दे रहे? म्यूजियम में तुम्हारी गर्लफ्रेंड के गले में जो हार देखा था वो हाल ही में मेरे घर से चोरी हुआ था, और जो मेरा संदूक साफ कर सकता है, मेरी तिजोरी साफ कर सकता है, वो आज का नंबर वन ज्वेल थीफ है। मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा, पूरा मत मानी, मगर वो सारा माल चोरी का ही था। वो जिनका था उन्हें मैंने लौटा दिया। आई जस्ट गॉट माय कमीशन। मुझसे कितना कमीशन लोगे? किस लिए? कोहिनूर मेरे हवाले करने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? इट्स इम्पॉसिबल, ये मुझसे नहीं होगा। यानी तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे साथ सही सलामत रहे? हमारे लोग उसके साथ जो आप सोनी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। नहीं? क्या नाम बताया तुमने उसका? सोनी। यानी तुम्हारा नाम महिवाल है? जॉनी मेरा नाम है। मैं मजाक कर रहा था। देखो जॉनी, विनय कुमार की वजह से मुझे बरसों जेल काटनी पड़ी। मैं सब बदला लेना और ला ही नहीं, इसे बर्बाद कर देना चाहता हूं। यही मेरी जिंदगी का मकसद है, और जो भी इस मकसद के रास्ते में आएगा मैं उसे भी खत्म कर दूंगा, चाहे वो सोनी हो या जॉनी। सूर्यदेव सिंह ने म्यूजियम में बहुत कड़ा पहरा लगाया, वहां पहुंचना मुश्किल है। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। उस सिक्योरिटी का डुप्लीकेट, उसका ब्लूप्रिंट मैंने हासिल कर लिया है। कैसे? इट्स अ ट्रेड सीक्रेट। मैं तुमको साबित कर दूंगा, अगर कमिश्नर वो सूर्यदेव सिंह है तो मैं उसका बाप हूं। वेरी बैड न्यूज सर, जनता बगावत पर आमादा हो गई है। नारेबाजी चल रही है कि कोहिनूर हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान में ही रहेगा। अभी अभी विनय कुमार ने भी मुझे यही बताया है। ये तो बहुत ही हैरतअंगेज बात है। इससे भी बुरी बात है सीएम साहब, धमकी दे रही है जनता कि अगर कोहिनूर हिंदुस्तान से बाहर गया तो आत्मदाह कर लेंगे वो लोग। लेकिन उसे वापस तो भेजना ही होगा। ओह माय गॉड। हेलो, भीड़ बेकाबू हो रही है सर, सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, व्हाट टू डू सर? आई एम डिस्कसिंग विद सीएम। ओवर। बात पुलिस के कंट्रोल से बाहर होगी सर, भीड़ हिंसा पर उतर आई है। ओह, इसका मतलब है कि अब फायरिंग के अलावा और कोई चारा ही नहीं रहेगा। क्या बात कर रहे हैं सीएम साहब,
जिस हीरे को लूट कर अंग्रेज हिंदुस्तान से ले गए थे, उसी हीरे को वापस उन लुटेरों को देने के लिए आप मुझसे मेरे देशवासियों पर गोली चलवाएंगे? नहीं, नहीं, ये इससे बात और बिगड़ेगी और आग सारे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये मत भूलो सूरी कि कोहिनूर को इंडिया लाने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। 50,000 करोड़ की जमानत दी है। आई नो इट मिस्टर विनय, आई नो इट वेरी वेल। एक रास्ता है। क्या? कोहिनूर हीरा किसी भी तरह वहां से उठाकर किसी दूसरी जगह रख दिया जाए और आवाम में यह अफवाह फैला दी जाए कि कोहिनूर चोरी हो गया है। फिर क्या होगा? सीएम साहब, आप जानते हैं कि हमारी आवाम की याददाश्त बहुत कमजोर है। बेचारे भूल जाते हैं कि कल क्या हुआ था, और जैसे ही हालात साजगार होंगे कोहिनूर ब्रिटिश सरकार को वापस कर देंगे। ये तुम्हें करना होगा। कोहिनूर हमारे देश में अमानत के तौर पर है, और अगर ये अमानत नहीं लौटाई गई तो हमारे देश की बहुत बदनामी होगी। जनता की भलाई और देश को बदनामी से बचाने के लिए ये काम मैं सर अंजाम दूंगा। साथ कोहिनूर हीरे का सौदा करने आया हूं। जुकासो ना किसी से मजाक करता है और ना किसी का मजाक बर्दाश्त करता है। तुम भूल गए हो कि कोहिनूर उस सूर्यदेव सिंह की सिक्योरिटी में है जिसने इस देश के तमाम ज्वेल थीफ को खत्म करने का संकल्प कर रखा है। उस सूर्य पर इस नीलकंठ का ग्रहण लग चुका है। कोहिनूर को चोरी करने के लिए खुद सूर्यदेव सिंह ज्वेल थीफ बनेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा षड्यंत्र रचा रखा है कि सूर्य उसमें फंस कर रह गया है। ये तुम आजकल जो पेपरों में पढ़ रहे हो ना, कि सारे शहर में कोहिनूर की वजह से बलवे हो रहे हैं और म्यूजियम के सामने लोग अनशन कर बैठे हैं, ये सब कुछ मैंने ही करवाया है। इनमें से कुछ लोग भाड़े के हैं और कुछ लोग हमारी पार्टी के हैं। जनता को शांत करने के लिए यह अफवाह उड़ाई जाएगी कि कोहिनूर चोरी हो गया है, और वही कोहिनूर सूर्य चुरा कर मेरे पास लेकर आएगा। लेकिन वो कोहिनूर मेरे यहां जिस तिजोरी में रखा जाएगा उसकी एक नहीं दो चाबियां होंगी, और रात भर में असली कोहिनूर की जगह नकली कोहिनूर रख दिया जाएगा। ये देखो। वाह, क्या दिमाग पाया है। जिस देश में तुम्हारे जैसा नेता हो वो देश जरूर तरक्की करेगा। मुझे सौदा मंजूर है। बोलो, कोहिनूर के बदले तुम्हें क्या चाहिए? 60,000 करोड़। मुझे मुख्यमंत्री की जगह इस देश का मालिक बनना है, और उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। तुम कोहिनूर ले आओ, तुम्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। और जिस दिन मेरे हाथ में कोहिनूर आ जाएगा उस दिन सूर्या से भी मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा। जाने जा।
दर्द हो फिर तेरी बाहें भी हो। क्या दिलकशी है सांसें जवा जवा, नाजुक बदन है खिलता चमन है, तुझ में कमी है क्या। नैना तेरे नशीले ये होंठ भी रसीले, आ देख लूं जी भर के तुझको जान जा। यह है म्यूजियम का प्लान। सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्रोल रूम। यहाँ का गार्ड हर 15 मिनट में बदलता है। म्यूजियम में लगा हुआ वीडियो कैमरा लगातार कोहिनूर पर नजर रखता है, और कंट्रोल रूम का गार्ड मॉनिटर पर कोहिनूर देखता रहता है। क्लियर? आगे चलो। अब जरा ध्यान से सुनो। हर गार्ड यहाँ से जाने से पहले इंफ्रारेड लाइट से चेक कर लेता है कि इनविजिबल लेजर बीम्स ऑन है या नहीं। दो गार्ड के चेंज होने के दरमियान जितना वक्त लगता है, उतने वक्त में अगर वीडियो कैमरा के सामने कोहिनूर का फोटो लगा दिया जाए तो आने वाला गार्ड यही समझेगा कि कोहिनूर सही सलामत है, हालांकि वो कोहिनूर को नहीं कोहिनूर के फोटो को देख रहा है। और इस दौरान तुम इस इंफ्रारेड टॉर्च के जरिए लेजर बीम से बचते हुए कोहिनूर के स्टैंड तक पहुंचो। कोहिनूर के स्टैंड पर एक शीशे का ऐसा गुंबज रहेगा जिसका वजन है 1 किलो। इसे उठाते ही वो कोहिनूर अंदर चला जाएगा, लॉक हो जाएगा एक बैलेंस की तरह। इसलिए इस शीशे को उठाते हुए तुम्हें यहां 1 किलो वजन रखना पड़ेगा। इतने से खांचे में 1 किलो वजन कैसे आएगा? इसका भी बंदोबस्त है। एक छोटी सी चीज है। इतना भारी? 1 किलो पारा है इसमें, मरकरी पारा। गुड। अब असली कोहिनूर की जगह तुम ये नकली कोहिनूर रखोगे, लेकिन याद रहे उठाते वक्त उंगली से उतना ही प्रेशर डालना जितना किसका वजन है, वरना अलार्म बज उठेगा। कोहिनूर चुराने के बाद तुम पारा वापस खींच लोगे और इस गुंबस को ऊपर रख दोगे, लेकिन याद रहे ये सारा काम तुम्हें सिर्फ 15 मिनट के अंदर करना है। लेकिन एक चीज मत भूलना, वीडियो कैमरे के सामने से कोहिनूर का फोटोग्राफ निकाल लेना, वरना जाने वाले गार्ड को लेजर बीम नजर नहीं आएंगे। समझे? समझने की कोशिश कर रहा हूँ बॉस, लेकिन मैं म्यूजियम में पहुंचूंगा कैसे? ये सोचना तुम्हारा काम है, वरना तुम किस बात के ज्वेल थीफ नंबर वन हो। Thank you.
सूर्यदेव अभी तक नहीं आया। आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। कोहिनूर को लाने के लिए वो यहाँ से 11 बजे निकला और अब 1:30 बज गया है। हाँ, मुझे भी हैरानी है। सॉरी जेंटलमैन, मुझे आने में देर हो गई। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद आपसे भी ज्यादा परेशान हूँ। उस भरी भीड़ में से गुजरकर हीरा लाना मेरे लिए कितना मुश्किल है, मैं कैसे बताऊं आपको? मुश्किल है, इसीलिए तो तुम्हें उसका इंचार्ज बनाया गया। Yes, that's right, of course. ये हंस क्यों रहे हो? हंसी मुझे इसलिए आ रही है सिंह साहब कि इस हीरे ने हमारी नींद हराम कर दी है और इस हीरे की चोरी मेरी आत्मा पर एक बोझ बन गई है। What are you saying? कोहिनूर की चोरी का सुझाव तो तुम्हारा ही था। Yes, of course. जी हाँ, बिल्कुल मेरा ही सुझाव था। लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि हीरे की चोरी की खबर से बदनामी किसकी होगी? मेरी, मेरे डिपार्टमेंट की। परेशान मत होइए, अब मैं जो काम करके आ रहा हूं उसके लिए आप मुझे दाद देंगे। मैंने ऐसा काम किया है कि सांप भी मर गया और लाठी को खराश तक नहीं आने थी। ये कैसी पहेलियां बुझा रहे हो सूर्यदेव, ऐसा क्या किया तुमने? मैंने कोहिनूर को कोहिनूर के साथ बदल दिया है। मतलब? रेप्लिका, हूबहू हीरे की शक्ल का हीरा मैंने वहां रख दिया है और जो हीरा मैंने रखा है उसकी चमक के आगे असली कोहिनूर की चमक भी फीकी पड़ जाएगी। मिस्टर विनय कुमार, आप भी खुश, ब्रिटिश सरकार भी खुश, हिंदुस्तानी जनता भी खुश और मैं भी खुश। वेरी गुड। तो यम साहब लीजिए, संभालिए इसे, आज से मेरी जिम्मेदारी खत्म। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन एक नहीं, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है सूर्यदेव। इसे तुम अपने हाथों से तिजोरी में रखोगे और उसकी चाबी भी तुम्हारे पास ही रहेगी, क्यों मिस्टर विनय कुमार? सूर्यदेव। सीएम साहब, मैंने तो सोचा था हीरा आपके हवाले करके मैं आराम की नींद सोऊंगा, मगर कल सवेरे ब्रिटिश हाई कमिश्नर के डेप्यूटी सर जॉन को, जो हीरों का बहुत जबरदस्त पार्की है, यह कोहिनूर सौंपने के बाद जितना आराम करना हो कर लेना। सूर्यदेव, हीरा रहा इस तिजोरी में और ये रही तिजोरी की चाबी, ये है तुम्हारे हवाले। ओ जॉनी, ले आए कोहिनूर? जॉनी कभी खाली हाथ नहीं लौटता। एक्सलेंट जॉब, मान गए भाई। ये क्या? हाँ, आपके और मेरे बीच एक सौदा हुआ था जिसके मुताबिक मैं आपको कोहिनूर दूंगा और आप मुझे सोनी। ये रहा तुम्हारा कोहिनूर, अब असली कोहिनूर मेरे हवाले कर दो। ये रहा कोहिनूर, सोनी को मेरे पास ले आओ और फिर इसे ले जाओ। ये रही आपकी अमानत। थैंक यू। और आपकी अमानत आपके हवाले करने के बाद हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, आवर ड्यूटी इज ओवर। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट रियल। व्हाट आर यू टॉकिंग? व्हाट डू यू मीन? हाउ कैन यू से इट्स नॉट रियल? दिस इज नॉट कोहिनूर। Say it for yourself. ये कोहिनूर नहीं, सीएम साहब।
अगर ये नकली तो फिर असली कहाँ है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने अपनी जिंदगी की सारी सारी कमाई इस पर लगा दी है। बट दिस इज इम्पॉसिबल। इसकी जिम्मेदारी तो सूर्य की थी और यही इसे म्यूजियम से यहां तक लेकर आया था। सीएम साहब, ये हीरा आपने अपने हाथों से तिजोरी में रखा था। लेकिन चाबी तो तुम्हारे पास थी। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हीरा म्यूजियम से यहाँ तक पहुँचने के पहले ही रास्ते में बदल दिया गया हो। मिस्टर वेने, झूठा इल्जाम लगाकर मेरी इंसल्ट कर रहे हैं आप। कंट्रोल योरसेल्फ मिस्टर सूर्या एंड यू टू मिस्टर वेने। तुम उस पुलिस ऑफिसर पे इल्जाम लगा रहे हो जिसने अपने 20 साल के कैरियर में सच्चाई और ईमानदारी का एक नया इतिहास लिखा है। 50,000 करोड़ के सामने 20 साल का इतिहास 10 मिनट में बदला भी जा सकता है। आप सूर्या पर इल्जाम लगाकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती तो मैंने उसी रोज की थी जिस रोज मैंने सूर्य पे भरोसा किया। मैंने सोचा कि खून अपना रंग बदल भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूर्यदेव सिंह आज से 27 साल पहले के मशहूर जूल थीफ प्रिंस अर्जुन का बेटा है। What? और इसने साबित कर दिया है कि he is also a jewel thief, a jewel thief. So you want to tie me, huh? वाह, बेटा बाप से भी बड़ा jewel thief निकला। कोहे नूर उड़ा लिया। I'll kill you. I'll kill you, bastard. Guards, guards, arrest सूर्यदेव। सूर्य, तुम कानून को अपने हाथों में ले रहे हो। सीएम साहब, कानून तब तक मेरे हाथ में रहेगा जब तक पता नहीं चल जाता असली हीरा कहाँ है। चलिए। शूटिंग गार्ड्स। सर, जॉनी ऑन द लाइन। हाँ बोलो जॉनी, क्या चाहिए? जुगासो, मैंने कोहिनूर चुरा लिया है। बोलो कहाँ और कैसे सौदा करना है। मुझे बकवास सुनने की आदत नहीं है जॉनी। कोहिनूर जिसने चुराया है उससे मेरी डायरेक्ट डीलिंग हो रही है, और वो भी जितनी रकम तुमने मांगी थी ना उसके आधे में। आधे में? ये तुम क्या कह रहे हो? कोहिनूर तो मेरे पास है। तुम्हारे कितने बच्चे हैं जॉनी? एक भी नहीं। कोई बात नहीं, जब बच्चे पैदा हो जाएंगे तो जो कोहिनूर तुम्हारे पास है बच्चों को दे देना, खेलने के लिए काम आ जाएगा। Shut up, you bloody fool. बकवास बंद कर आपने। क्यों, क्या हुआ? जुकासो के मुताबिक हमारे पास जो हीरा है वो बच्चों के खेलने का खिलौना है। ये क्या कह रहे हो तुम?
जुकासो कहीं पागल तो नहीं हो गया? जुकासो पागल नहीं है। हमारे पास जो हीरा है वो वाकई कोहिनूर नहीं, उसकी शक्ल का अमेरिकन डायमंड है। ये कैसे हो सकता है? कोहिनूर तो मैंने अपने हाथों से चुराया था। मधु जो कह रही है वो ठीक ही होगा, क्योंकि ये हमारी टीम की डायमंड एक्सपर्ट है। लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द प्रेस एंड टेलीविजन, आई हैव ए वेरी शॉकिंग अनाउंसमेंट टू मेक। समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप सबके सामने वो अनाउंसमेंट कैसे करूं, बट आई हैव टू डू इट। बड़े सदमे के साथ मैं आप सबको सूचित करता हूं कि कोहिनूर चोरी हो चुका है। कोहिनूर हैज बीन स्टोलन। इससे थर्ड वर्ल्ड वॉर तो शुरू नहीं हो जाएगी टी? स्टूपिड क्वेश्चन। शांति शांति शांति, आप जो भी सवाल पूछने हैं प्लीज एक एक करके पूछिए। विनय कुमार जी, आपने कोहिनूर इंडिया लाने के लिए 50,000 करोड़ की जमानत दी थी, इस दुर्घटना पर आपका क्या रिएक्शन है? आई एम रिपेंटिंग द डे आई ब्रॉट द कोहिनूर टू इंडिया। मैंने सोचा था कि मैं अपने देशवासियों को उनके प्राचीन गौरव के दर्शन करवाऊंगा, लेकिन ये नहीं जानता था कि उनके प्रति इमोशनल होकर मैं अपनी बर्बादी का न्योता दे रहा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं विनय कुमार जी? इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? मैंने अपने अनमोल हीरे जवाहरात को गिरवी रखकर कोहिनूर को इंडिया इस शर्त पर मंगवाया था कि उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्टेट की होगी। आई बेग योर पार्डन मिस्टर विनय कुमार, स्टेट कोई शख्स नहीं, ये कंसेप्ट होता है। स्टेट के हाथ पांव उसके ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स होते हैं, और चीफ मिनिस्टर स्टेट का सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, और रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैंने कोहिनूर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इस स्टेट के सबसे होनहार पुलिस कमिश्नर सूर्यदेव को सौंपी थी। अगर सूर्यदेव जियोल थीफ निकला है तो इसमें राज्य या मेरा क्या कसूर है? क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि सूर्यदेव सिंह ही जियोल थीफ है? इसके बारे में मिस्टर विनय कुमार ही ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। आपसे 27 साल पहले प्रिंस अर्जुन नाम के एक शख्स ने मुझे जूल थीफ साबित करने की साजिश की थी, हालांकि वो खुद ही जूल थीफ था। हाँ हाँ, हम जानते हैं, भारत का बच्चा बच्चा जानता है। इसमें नई कौन सी बात है? सूर्यदेव सिंह उसी जूल थीफ का बेटा है। क्या कह रहे हैं आप? साइलेंस साइलेंस, आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ा है, बिगड़ा है तो मेरा। मेरी जिंदगी की सारी कमाई, सारी दौलत, सारी इज्जत जीरो हो गई। आई एम रुइंड, बर्बाद हो गया। सॉरी सर, हम सूर्यदेव जी को पकड़ने में नाकामयाब रहे। आपने सुना? ओह नो, ओह माय गॉड, इट्स हॉट न्यूज, स्टूडियो जल्दी। चीफ मिनिस्टर नीलकंठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी है कि सूर्यदेव सिंह ही ज्वेल थीफ है और वो कोहिनूर चुराकर भाग गया। वाह, इसका मतलब यह है कि नीलकंठ की चाल कामयाब हो गई। ऑफ कोर्स। हेलो, ओ नीलकंठ, माल तैयार है, कोहिनूर लेकर आओ, माल लेकर जाओ। आज मुख्यमंत्री श्री नीलकंठ महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि कोहिनूर चोरी हो गया है और ज्वेल थीफ पुलिस कमिश्नर सूर्यदेव हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उन्हें चेस कर रही थी, मगर पुलिस को डॉच करके वे चाइना क्रीक की खाड़ी में छलांग मार कर फरार हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्यदेव ही कोहिनूर का चोर है और वही जुकासो को कोहिनूर बेच रहा है, और इसीलिए जुकासो ने तुम्हारी डील ठुकरा दी। के कहां जाओगे सूर्यदेव सिंह? म्यूजियम में चोरी करके तुमने अपने पिता प्रिंस अर्जुन के इतिहास को धुंधला कर दिया है। लेकिन मुझे वो कोहिनूर चाहिए जो तुमने चुराया है। ओ,
इंस्पेक्टर, इतनी देर क्यों की? हरी अब। हटो पीछे, चलो पीछे जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? सूर्यदेव सिंह चोर थीफ नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। लेकिन जिसे तुमने पकड़ रखा है, जानते हो वो कौन है? वेलकम जॉनी, वेलकम। अच्छा किया जॉनी, तुम खुद ही चल के आ गए। अब तक तुम मुझे बेवकूफ बनाते रहे, लेकिन अब तुम यहां से बच के नहीं जा सकते। तुम देखना चाहते हो मेरे आदमी तुम्हारी क्या हालत करेंगे? रंधावा, तुम लोग सब यहीं हो? कम इंसाइड इमीडिएटली। हंस लो जितना हंसना है, रोने का वक्त आ गया तुम्हारा। अरे आप लोग, ये लोग कौन है? हाँ मैं समझ गया, आप इसे अरेस्ट करने आए हैं। यही ज्वेल थी, वह कर लीजिए सर। आप लोग खड़े क्यों? ये आपका आसामी से अरेस्ट कर लीजिए। ये आपको अरेस्ट करने आए हैं प्रिंस अर्जुन। Shut up, you bloody bastard. Please mind your language, Prince Arjun. I am not a thief. I am CBI officer Jatin Kumar. Yep. CBI officer? Yes, Prince Arjun. जब कोहिनूर इंडिया लाने का प्लान बनाया जा रहा था, तब पुलिस ने सूर्य देव सिंह को उसके इंचार्ज में रखा और CBI ने मुझे, क्योंकि CBI ये बात जान चुकी थी कि सूर्य देव सिंह एक्स ज्वेल थीफ प्रिंस अर्जुन का बेटा है। अगर तुम वाकई CBI ऑफिसर हो तो तुम चोर का नाटक क्यों कर रहे थे? कोहिनूर को चुराने के लिए कौन सा चोर क्या साजिश कर रहा है, ये जानने के लिए मुझे भी चोर बनने का नाटक करना पड़ा। इसी मकसद को हासिल करने के लिए मैंने सबसे पहले चोरी तुम्हारे घर में की, और तमाम चोरों की तरह तुमने भी मुझे सबसे बड़ा ज्वेल थीफ समझ लिया। ऑफिसर्स अरेस्ट। हाय जेम्स बॉन्ड। हाय जेम्स बॉन्डी। आज वो सुरेंद्र नहीं आया? सुरेंद्र हेड ऑफिस गया, रिपोर्ट लिखाने शाम तक आ जाएगा। ओके, व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑन ऑपरेशन के? बैड, सूर्यदेव सिंह हमारे हाथों से निकल गया, मगर उनके पिताजी ज्वेल थीफ, द ग्रेट ज्वेल थीफ, उन्हें हमने हिरासत में ले लिया है। लेकिन जो हमारा असली मकसद है, कोहिनूर, जिसे हमें हासिल करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंचाना है, वो अब तक हमसे आंख में छोली खेल रहा है। एनीवे, वो 420 नंबर को ट्रेस किया? हाँ, मयूर विला मड आइलैंड। सर, सर, अकेले आए हो या वार साथ में है? अकेले आया हूं सर। मनोरी आइलैंड पर फोर्स क्यों लाए थे? CBI की वजह से। CBI की वजह से? जी हाँ सर। क्या मतलब? वहां जॉनी नाम का ज्वेल थीफ जो आपसे लड़ाई कर रहा था, दरअसल वह कोई ज्वेल थीफ नहीं बल्कि CBI ऑफिसर जतिन कुमार है। आपके मनोरी आइलैंड से एस्केप होने के बाद ही उसने आपके डैडी को भी अरेस्ट कर लिया। क्या कह रहे हो? मुझे कहते हुए अफसोस है सर, मुझे उसका इस मिशन में भी साथ देना पड़ा। क्यों? क्योंकि सर मैं चाहता था कि आपके डैडी मेरी निगरानी में महफूज रहे। आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैंने CM का खुफिया तरीके से पीछा किया सर। इस वक्त वो मड आइलैंड के मयूर विल्ला में जुकासो नाम के स्मगलर के साथ कोहिनूर का सौदा कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। इस दौलत से मैं इस देश का मालिक बनूंगा, क्योंकि जिस नेता के पास जितनी ज्यादा दौलत होती है उतनी ही ज्यादा उसके पास MPs, उतने ही ज्यादा उसके पास MLAs होते हैं। आई शेल बी द बिगेस्ट, सबसे बड़ा पॉलिटिशियन बनूंगा मैं। वाह नीलकंठ वाह, भले ही मैं ज्वेल थीफ हूं लेकिन चोरों के चीफ तो तुम ही हो मिस्टर पॉलिटिशियन। आज हमारे चक्रव्यूह में फंसकर
विनय कुमार एक भीख मंगा हो गया है और सूर्यदेव कमांडर सूर्यदेव भगोड़ा ज्योति जिसे सारी दुनिया कोहिनूर का चोर समझती है, लेकिन कोहिनूर इज हेयर इन माई पॉकेट। नीलकंठ, हमने तो हमारे पेमेंट की एक छोटी सी झलक तुम्हें दिखा दी, अब तुम भी तो कोहिनूर की झलक दिखा दो। नो, पहले पूरी पेमेंट कंफर्म तो हो जाने दो। नीलकंठ, 500 करोड़ कैश दे रहा हूँ, कैश, और बाकी रकम हवाले के थ्रू तुम्हारे स्विस बैंक अकाउंट में जमा की जा रही है। हाँ, पहले हवाला का पैसा कंफर्म तो हो जाने दो। यस, आई सी, गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन सिकासो, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज से कोहिनूर के मालिक तुम हो। सीबीआई ऑफिसर जतिन कुमार, जॉनी मेरा नाम नहीं है। जान के कौन क्या है? सारी दुनिया की तरह मैं भी आपको कोहिनूर चोर समझ बैठा। सॉरी सर। सर, अरेस्ट हिम। देखा ना सर, मैंने कहा था ना, सूर्यदेव सिंह जी ज्वेल थीफ हो ही नहीं सकते। सूर्यदेव सिंह चंगा है, सूर्यदेव सिंह चंगा है। डैडी, गवर्नमेंट ने जब मुझे कोहिनूर की हिफाजत की कड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, तब मैं आपके पास आशीर्वाद लेने के लिए आया था। बताओ किस लिए आना हुआ? डैडी, कोहिनूर हीरा हिंदुस्तान लाया जा रहा है। मैंने सुना है। और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। क्या? यस डैडी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर डाली गई है। आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा सकूं। बेटा, पिता का आशीर्वाद तो हमेशा अपने संतान के साथ रहता है।
हमारे बेटे के इन फौलादी हाथों में अगर सुरक्षित न रहे कोहिनूर तो और कहां रहेगा। आज मैं शर्मिंदा हूं कि आपने आशीर्वाद देने के बावजूद खुद कोहिनूर की चोरी का प्लान बना लिया। ये जरूरी नहीं कि धर्म और कर्म एक ही हो। तुम्हें आशीर्वाद देना मेरा धर्म था और कोहिनूर चोरी करना मेरा कर्म। सर, एक्सक्यूज मी सर, वेरी बैड न्यूज कोहिनूर के बारे में। जो हीरा आपने जुकास और नीलकंठ से हासिल किया है वो भी नकली निकला। सीएम के ऑफिस में हमारे रिप्रेजेंटेटिव सर जॉन को जो हीरा दिया गया वो डुप्लीकेट था। अब भी दोबारा जो हीरा हमें दिया गया है वो भी डुप्लीकेट है। गॉड ओनली नोज हाउ मेनी डुप्लीकेट्स हैं। हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप लोगों ने यह साबित कर दिया कि आप ड्यूपिंग और डुप्लीकेटिंग के मामले में नंबर वन कंट्री है। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर, डोंट डिग्रेड अस एंड आवर कंट्री। ऑर्डर ऑर्डर, दिस इज कोहिनूर इंक्वायरी कमीशन इंक्वायरिंग इनटू द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग कोहिनूर। ये कानूनी कार्रवाई है और इसीलिए मेरे आप सबको हिदायत है कि कोई भी इस कमीशन के ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश ना करे, सबको बोलने का मौका मिलेगा। लेट्स बिगिन विद एक्सीएम मिस्टर नीलकंठ। जेंटलमैन, एक नेता की सबसे बड़ी संपत्ति होती है उसकी इज्जत और उसकी मर्यादा। सच तो यह है कि वो हीरा जो मुझे कासो को बेचने को लेकर गया था वो वही हीरा था जो सूर्या देव ने म्यूजियम से लाकर मेरे ऑफिस की तिजोरी में रखा था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो हीरा मैंने तब्दील कर दिया। योर ऑनर, मैंने इनकी तिजोरी में वही हीरा लाकर रखा था जो म्यूजियम में रखा गया था। फिर वो हीरा नकली कैसे हो गया? अगर आप दोनों की बात में सच्चाई है तो असली हीरा कहां है? एनी आंसर सीबीआई ऑफिसर? सर, सीबीआई को यह खुफिया जानकारी थी कि राज्य सरकार जिन सूर्यदेव सिंह को कोहिनूर की हिफाजत का काम सौंपने जा रही थी वो एक्स ज्वेल थीफ प्रिंस अर्जुन सिंह का बेटा है। सीबीआई ने उन दोनों की एक्टिविटीज पर नजर रखने का काम मुझे सौंप दिया। प्रिंस अर्जुन ने मेरे फ्रेंड सोनी को अगवा करके मुझे कोहिनूर चुराने को कहा। उनके पास कोहिनूर की सिक्योरिटी तोड़ने का फुल प्रूफ प्लान देखकर मुझे बाप और बेटे दोनों पर शक हुआ और इसीलिए मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था कि कोहिनूर की हिफाजत के लिए मैं कोहिनूर खुद चुराऊं। Where is the diamond you procured, Mr. Jatin Kumar? हमारी टीम के डायमंड एक्सपर्ट के मुताबिक वो कोहिनूर नहीं बल्कि उसका रेप्लिका है। याद करो सूर्यदेव सिंह, जब तुम वो सो कॉल्ड कोहिनूर लेकर मेरे ऑफिस में आए थे तब तुमने मुझसे ये कहा था कि तुमने कोहिनूर की जगह उसका एग्जैक्ट रेप्लिका वहां रख दिया है। इट इज पॉसिबल के वही रेप्लिका मिस्टर जतिन कुमार के हाथों लगा। कोहिनूर को हटाते ही अलार्म बजने का बंदोबस्त था योर ऑनर। मिस्टर जतिन ने भी अलार्म को बंद रखने के लिए रेप्लिका वहां रखा होगा, क्यों मिस्टर जतिन? यस सर। अब तो बात साफ जाहिर हो गई सर कि जो रेप्लिका मिस्टर जतिन कुमार ने वहां रखा था वही मेरे हाथ लगा और उसे लाकर मैंने इनकी तिजोरी में रख दिया। मिस्टर सूर्यदेव, आपने कितने बजे कोहिनूर रिप्लेस किया? इट वॉज अराउंड मिडनाइट सर। मैं उस वक्त टेंशन में था, टाइम नोट नहीं कर सका। एंड व्हाट अबाउट यू मिस्टर जतिन कुमार, आपने कितने बजे कोहिनूर बदला? एग्जैक्टली 12:13। मिस्टर सूर्यदेव, आप फिर से वक्त याद करने की कोशिश कीजिए। सर मैंने कहा ना, मैं टेंशन में था, मैं एग्जैक्ट टाइम नोट नहीं कर सका। अगर झूठ बोलकर ही मुझे अपनी बेगुनाही का सबूत देना होता तो मैं कह सकता था कि 12:26 पर मैं वहां गया था। आई एम सॉरी मिस्टर सूर्यदेव सिंह, जब तक असली हीरे का राज फाश नहीं हो जाता तब तक कानून आपको शक की निगाह से देखता रहेगा और बतौर पुलिस कमिश्नर आप सस्पेंडेड रहेंगे। कमीशन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित की जाती है। बट व्हाट अबाउट आवर सिक्योरिटी मिस्टर विनय कुमार? अगर चीफ मिनिस्टर करप्ट हो सकता है तो पुलिस कमिश्नर क्यों करप्ट नहीं हो सकता? सूर्यदेव सिंह, यू आर द थीफ, अरेस्ट हिम। यू कांट बी अबव द चीफ जस्टिस मिस्टर, सो बिहेव योरसेल्फ। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज। चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो चुका है, पुलिस कमिश्नर हैज बीन सस्पेंडेड, हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा? हम किससे बात करेगा? मिस्टर सीबीआई, हु डू वी टॉक टू? एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर विनय कुमार, आप मेरे साथ चलेंगे प्लीज? प्लीज।
सूर्यदेव सिंह कोहिनूर को यहाँ से सीएम के दफ्तर में लेके गया, सूर्यदेव सिंह ने अपने हाथों से उसे वहां तिजोरी में रखा, और सूर्यदेव सिंह के ही पास उस तिजोरी की चाबी थी। तो जाहिर है कि अगर उस तिजोरी से नकली कोहिनूर निकला है तो असली सूर्यदेव सिंह के ही पास है। और आप सीबीआई ऑफिसर मिस्टर जतिन कुमार चोर को पकड़ने की बजाय मेरे हीरे जवाहरात सील करने आए। जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोहिनूर की जमानत देने से इनकार कर दिया तब आपने अपने अनमोल हीरे जवाहरात को जमानत के तौर पर रखकर कोहिनूर इंडिया मंगवाया। लेकिन अब जब तक कोहिनूर ब्रिटिश सरकार के पास सही सलामत नहीं पहुंचता उसकी जमानत की हिफाजत करना मेरा पहला फर्ज है। लगता है आप भारत सरकार के नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के सीक्रेट एजेंट हैं। आर यू फ्रॉम द सीबीआई और द स्कॉटलैंड यार्ड? ये रही मेरी तमाम दौलत, कीजिए आपको जो करना है। मिस्टर विनय कुमार, इसीलिए मैं आपके म्यूजियम का मुआयना करना चाहता था क्योंकि मैं जानता हूं कि आज का जमाना किस तरह खराब और खुदगर्ज होता जा रहा है। देश की इज्जत भाड़ में जाए तो जाए, उससे आपको क्या? आपने तो अपनी दौलत पार करके अपनी गर्दन बचा ली। वेरी स्मार्ट। मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरी जिंदगी भर की दौलत गायब हो गई और तुम मुझे ही चोर साबित करना चाहते हो? काम डाउन। काम डाउन कौन है? हाँ बोलो। सूर्य, सूर्य, तुम मुझे क्यों सुनाना चाहते हो कि तुमने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया है? मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं कि तुमने अपने बाप का इंतकाम लेने के लिए मेरी ये कब्र खोदी है। यू क्रूक। गिव मी द फोन। कट गया है। सूर्यदेव सिंह ही विलेन है। हेलो हेलो, जतिन कुमार हियर, एजेंट जतिन कुमार, 6494949। अभी भी जो यहां कॉल आया था उसे इमीडिएटली ट्रेस करो। बी क्विक अबाउट इट। बात समझो ऑफिसर, सूर्यदेव सिंह मुझसे अपने पिता का इंतकाम लेना चाहता है क्योंकि उसके पिता ने आज से 27 साल पहले मुझे झूठी साबित करने की कोशिश की थी और खुद बेनकाब हो गया। अपनी उस हार को वो आज तक नहीं भूला है और अब मुझे बर्बाद करने के लिए उसने अपने बेटे के साथ मिलकर ये सारी साजिश की है। रस्तिम। हाँ बोलो। क्यों भाई लोग यहाँ इस तरह क्यों खड़े हो? वही नंबर है। ये है सीबीआई ऑफिसर जतिन कुमार जो कोहिनूर के चोर की तलाश में है, और मैं बदनसीब विनय कुमार। साहब, कोहिनूर का चोर सूर्यदेव सिंह अभी भी यहाँ था, फोन करके इसी दिशा में जीप में भागे। राश ऑफिसर, इससे पहले कि वो हमारी पकड़ से दूर हो जाए हमें उसे पकड़ना होगा। डोंट लीव हिम ऑफिसर। कहां ले गए? किसके लिए काम करते हो तुम लोग?
थैंक यू रॉकी। हेलो, कैसे हो सब लोग? सब ठीक है? वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप। एंड यू गर्ल्स, जतिन कुमार की आंखों में धूल झोंकना मुबारक हो प्रिंस अमर। अरे सीबीआई ऑफिसर जतिन कुमार तो क्या, प्रिंस अमर वो मास्टर ब्रेन है जो सारे जहां को उंगलियों पर नचा सकता है। क्वीन ऑफ इंग्लैंड के ताज से कोहिनूर को उतरवाकर उसे नुमाइश के लिए इंडिया लाना और फिर म्यूजियम में उसकी जगह उसका एक नकली डबल रखकर असली को सबसे पहले उड़ा ले जाना। मास्टर ब्रेन प्रिंस, ये रहे म्यूजियम के तमाम मेरे जवाहरात। अरे क्या बात है, कोहिनूर भी हमारे पास है और कोहिनूर की जमानत भी हमारे पास है। आप दुनिया के नंबर वन चोर दीदार प्रिंस अमर। वाकई तुम दुनिया के नंबर वन चोर हो। सूर्यदेव से यहाँ? हाँ, मैं यहाँ इंक्वायरी कमीशन के ऑफिस से लेकर यहाँ तक खुफिया तौर पर मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। सीबीआई की आंखों में तो धूल झोंक दी तुमने, लेकिन सूर्य देव सिंह तुम्हारा वारंट लेकर आ गया है। वारंट वारंट कुछ नहीं, तेरा अंतकाल तुझे यहां लेके आया है। देख 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 किस तरह मेरे आदमी पलक झपकते ही मेरे लिए जान दे सकते हैं, और ऐसे सैकड़ों हैं इस जजीरे के चप्पे चप्पे पे मेरे वफादार गनमैन मौजूद हैं। कानून सूर्यदेव सिंह को शक की निगाह से देख रहा है, मगर हालात किसी और की तरफ उंगली उठा रहे हैं। कानूनी तौर पे तो हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन उनकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है। हम सब किसी गहरी साजिश के शिकार है जिसे हमें किसी भी हालत में तोड़ना है। इसलिए मैंने सूर्यदेव सिंह को एक माइक्रो ट्रांसमीटर दे दिया है जिसका सिग्नल हमें इस रिसीवर पर मिलता रहेगा, और जब भी सूर्यदेव सिंह को हमारी जरूरत पड़ेगी तो इस पर अलार्म बज उठेगा। सिंपल। देने पड़ेंगे प्रिंस? जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट मैंने दी है उसके मुताबिक इतने ही सुपर शॉक्स काफी है। जरूरत पड़ी तो एक और सेशन दे देंगे, और ये हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा कि एक ईमानदार पुलिस अफसर है, और सिर्फ यही याद रखेगा कि ये दुनिया का नंबर एक जूल थीफ है। प्रिंस धर्म। रॉकी, प्रिंस अमर, विनय कुमार ने नीचे खुदकशी करने की कोशिश की है। क्या? हाँ जी। गर्ल्स यू स्टे हियर। यू स्कंक्स, तुम लोगों के होते हुए इसे खुदकुशी का सामान कहां से मिल गया? काम की खाते हुए हराम की, हराम की ये नहीं तू खाता है बेवकूफिये। दुनिया भर को धोखा देने वाले जालसाज, तूने मुझे, विनय कुमार को, हिंदुस्तान के नंबर वन डायमंड मर्चेंट को अगवा करके कैद कर रखा है, और तू मेरे रूप में न जाने क्या क्या नाटक, क्या क्या साजिश रचे जा रहा है। मुझसे अब तुम्हारी कैद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तुझसे मेरी कैद बर्दाश्त नहीं होती तो आजाद भी हो जाना, लेकिन तो कैद भी मेरी मर्जी से हुआ था और आजाद भी मेरी मर्जी से होगा, समझे? भगवान ने मुझे तेरी शक्ल दी और मैंने तेरी आवाज, तेरा स्टाइल, तेरी अदाएं ऐसे अपना ली जैसे मैं ही विनय कुमार हूं। और अगर तू मर गया होता तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होती। तू लाख होशियार और चलाक क्यों ना हो अमर, लेकिन हर काली रात की तरह बहुत जल्द तेरा भी अंत होगा और मैं तुम्हारा अंत करूंगा। आगे एक पैलेस है, बहुत बड़ा, वेरी हैवीली गार्डेड। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर पहुंचे कैसे। सूर्यदेव सिंह वहीं पर है। कौन हो तुम? हाँ कौन हो तुम?
मैं बैंगलोर की मशहूर डांसर रूबी हूँ। वहाँ क्यों जा रही हो? जंजीरा पैलेस में होने वाले किसी जलसे में मुझे नाचने के लिए बुलाया है। क्या तुम पहले वहाँ, मेरा मतलब है तुम्हें वहाँ कोई जानता है? जी नहीं। गुड, तुम्हारा प्रोग्राम चेंज। कीप एन आई ऑन हर, कीप एन आई। ओके, कम आउट फास्ट। ये मोबाइल तुम्हारे पास रखो, तुम अंदर जा रही हो एज रूबी डांसर। अंदर जो भी खबरें मिले मुझे इस पर इंफॉर्मेशन पास करते रहो। ओके, ऑल द बेस्ट। सुनी, बी केयरफुल। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या हो गया मुझे? हेलो, आप बता सकते हैं मैं कौन हूँ? आप सब जानते हैं मैं कौन हूँ? यू आर द जूल थीफ। शर्म, कोहिनूर की चोरी के दौरान आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, मगर आपका काबिल डॉक्टर ने आपको फिर से ठीक कर दिया। प्रिंस धर्म, मैं ठीक हो गया। मुझे, आप कौन हैं? योर राइट हैंड मैन। आप लोगों की वजह से मैं ठीक हो गया। मैं प्रिंस धर्म। आपके खतरे से वापस आने की खुशी में एक जश्न मनाया जाएगा। फेमस डांसर रूबी आपके लिए नाचेगी। गर्ल्स, लेट्स सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द जूल थीफ। आ गया है। लवली, लवली।
क्या बात है यार, मैं कितने आ गया यार है? ये सब कुछ आपका है प्रिंस धर्म। है मेरा? ये पैलेस भी आपका है, ये हसीनाएं भी आपकी हैं, हम भी आपके हैं। अरे जी चाहता है आपकी पप्पी ले लूं। आप सारे जहान के मालिक हैं। आपने कोहिनूर चुराया है और उसकी नीलामी के फौरन बाद आप दुनिया के सबसे जबरदस्त टॉप आदमी कहलाओगे। कितनी मुश्किलों से मैंने कोहिनूर चुराया है, मेरा कोहिनूर हिफाजत में तो है ना? बिल्कुल महफूज है। घंटे भर में दुनिया भर के टॉप स्मगलर्स यहाँ इकट्ठे होंगे, सारी रात जश्न कोहिनूर होगा और उसके बाद सूरज की पहली किरण के साथ ही कोहिनूर इस आलीशान महल के किसी एक कोने में से जलवा फरोज होगा। उसके बाद ही उसकी नीलामी होगी। है I'm waiting for that moment, my Sultana Daku. Hello. Johnny, Suryadev और Vinay Kumar आपस में मिले हुए हैं। What? और दोनों international smugglers को कोहिनूर नीलाम कर रहे हैं। I don't believe it. Mr. Vinay Kumar, पहनो ये कपड़े और तैयार हो जा और समझो कि तुम्हारी आजादी की घड़ी आ गई। हैं? Congratulations, Prince Samar. तुम्हारी जिंदगी का सबसे हसीन सपना पूरा हुआ चाहता है। विनय कुमार तुम्हारी कैद में है। सूर्यदेव ब्रेन वॉश हो चुका है और अपने आप को दुनिया का नंबर वन जूल थीफ प्रिंस धर्म समझता है। स्विस बैंक के अकाउंट में तुम्हारे हजारों लाखों जमा हो चुके हैं और कुछ और हजारों करोड़ कोहिनूर की नीलामी के बाद जमा हो जाएंगे। और फिर विनय कुमार ब्लास्ट हो जाएगा, सूर्यदेव ब्लास्ट हो जाएगा और दुनिया यही समझेगी कि ये दोनों कोहिनूर की नीलामी करते हुए ब्लास्ट हो गए। और फिर मैं ड्रामा करूंगा कि मैं विनय कुमार हूं और जो मारा गया वो प्रिंस अमर था। और इस तमाम धूमधड़ाके में सब भूल जाएंगे कि कोहिनूर कहां गायब हो गया, जबकि कोहिनूर भी मेरी जेब में होगा, विनय कुमार की तमाम दौलत भी मेरी जेब में। व्हाट डू यू से टू दैट प्रिंस अमर? यू आर द ग्रेटेस्ट ज्यूल थीफ, द अल्टीमेट ज्यूल थीफ, द ज्यूल थीफ।
चलने दो, हम भी नजारा कुछ दिखाएंगे आपको हुजूर। जिसका मोल लगाने आप सब लोग यहां आए हैं, नीलामी शुरू, लगाइए ऊंची से ऊंची बोली। कोहिनूर नीलाम नहीं होगा जुल थीफ, ये जिसकी अमानत है उसी के पास जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो प्रिंस धर्म? कोहिनूर तो तुमने नीलामी के लिए ही चुराया था। नो मोर डर्टी ट्रिक्स, मुझे प्रिंस धर्म बनाने वाले भी तुम हो और कोहिनूर की नीलामी की साजिश भी तुम्हारी है। बिजली के झटके देकर तुमने मुझे प्रिंस धर्म बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। मैं कोहिनूर का चोर प्रिंस धर्म नहीं बल्कि इसका मुहाफिज सूर्य देव सिंह हूं। मगर तुम्हारा यहाँ से बाहर जाना नामुमकिन है मिस्टर तफी, मेरे गनमैन चप्पे चप्पे पे मौजूद हैं। जिस चप्पे चप्पे पे तूने अपने गनमैन मौजूद रखे हैं उसी चप्पे चप्पे पे मैंने सुरंग बिछा दी है प्रिंस अमर। कम ऑन मूव। यू आर टफ। Thank you.
हेलीकॉप्टर के पास। हेलीकॉप्टर नहीं प्रिंस अमर, पुलिस स्टेशन कोहिनूर के साथ। हम तुम्हें ब्लास्ट कर देंगे सूरदेव सिंह। ड्राइवर चढ़ा दो पुलिस कमिश्नर के ऊपर से गाड़ी। आप लोग कौन हैं? हम सीबीआई के आदमी हैं। आपको छुड़ाने आए हैं। वो अमर मुझे ये कपड़े पहनने को दे गया और कह रहा था मुझे आजाद कर दे। आई विल किल दैट क्रूक। तुझे छोड़ूंगा नहीं अमर। अभी मेरे हाथों तेरी मौत है। उस स्काउंडल अमर ने अब इसकी जान ले ली। तुम ठीक तो हो? यही है, यही यही मेरा डबल है प्रिंस अमर। पकड़ लीजिए इसे, अरेस्ट हिम। यहां बैठे क्या देख रहे हैं? भागने मत दीजिएगा इसे। यही वो बहरूपी अमर है। बहरूपी अमर मैं नहीं, बहरूपी अमर तुम हो। तुम, मैं विनय हूँ, विनय, विनय कुमार। वाह बेटा, मिस्टर विनय कुमार को अमर बना दिया। अमर ये है, अरेस्ट हिम। जिसके पास कोहिनूर होगा वही प्रिंस अमर। ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की सीबीआई मैन, तो ये रिवॉल्वर और तुम्हारी ये हूर। कम, ए डोंट मूव। आहा, गोली चलेगी। बाय बाय सीबीआई, बाय। कम, मधु, चौकी, सुरेंद्र, जल्दी से सास बता ले जाओ। ओके, क्या देखा? टिकट। पायलट, हेलीकॉप्टर एकदम तैयार रहना चाहिए। मैंने कहा था ना, हेलीकॉप्टर नहीं पुलिस स्टेशन। हीरे के साथ कोहिनूर मेरी मुट्ठी में है और ये मुट्ठी नहीं खुलेगी। नहीं खुलेगी। खुलेगी नहीं। नहीं खुलेगी। खुलेगी नहीं तो हाथ काट के जाएगा। मैं ही हूं असली विनय कुमार और मेरे ही हाथों इस बहरूपी इम्पोस्टर की मौत होनी चाहिए। All is well that ends well. Come on, let's go.